सो अभी जस्ट मैं सो के उठा और जैसे ही बालकनी में आया पीछे बारिश हो रहे हैं भाई। और काहे भगवान काहे ऐसा कर रहे हो, मतलब एक तो लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए हैं, ऊपर से इस तरह का मौसम, मतलब प्योर राइड करने का मन कर रहा है। और उठे तो तुरंत हम रात में ही वीडियो एडिट ख़त्म हो गया और उठने के जस्ट बाद इधर अपना अपलोडिंग भी स्टार्ट हो गया। सो अभी समय हो रहा है 4:25 और यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा। देखो, मैक्सवेल मार्क्स की एक थ्योरी है 21 डेज हैबिट आइडिया। उनकी थ्योरी के मुताबिक अगर जो भी काम आप 21 डेज तक लगातार करते हो सो वो आपकी आदत बन जाती है। तो मैं क्या सोच रहा था कि 21 दिनों तक लगातार वीडियो डाला जाए, इससे मेरे में व्लॉगिंग करने का एक आदत बनेगा, वीडियो डेली एडिट करने का एक आदत बनेगा, डेली वीडियोस लाने का एक आदत बनेगा। और अगर आपका पैशन आपकी हैबिट बन जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। इससे मेरे दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा वो जो मैंने 2020 के न्यू ईयर रिजोल्यूशन में ऐड किया था, 150 वीडियोज़ का चैलेंज, जो कि मुझे लग रहा है कि अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मैं अगर डेली व्लॉग्स अभी से भी डालना स्टार्ट करूँ तो 150 वीडियोज़ हो ही जाएंगे। तो एक तो वो, दूसरा अगर आदत बना रहेगा तो फिर लॉकडाउन के बाद जब पूरा जगह खुलेगा और डेली वीडियोज़ आएंगे तो आप सोच सकते हो कि कितना मज़ा आने वाला है उसके बाद भी। और 21 दिनों तक अगर कोई वीडियोज़ मैं रेगुलर डाल रहा हूँ तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। और ये बिगिनर्स टिप भी है कि अगर आप व्लॉगिंग में शुरू करना चाह रहे हो तो अभी से ही शुरू करो, बहुत बढ़िया टाइम है, घर पर बैठो, डेली कैमरा फेस करो, डेली एडिटिंग करो, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। अभी डायरेक्टली सनलाइट मेरे आँख पे आ रहा है तो नीचे ही चलते हैं। वैसे आज एक चीज़ बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा मौसम और लॉकडाउन। यार अगर आज लॉकडाउन नहीं होता ना तो डेफिनेटली आज एक राइड होने वाली थी इस मौसम को देख के। वैसे आप लोग कितने लोग अभी राइड को तरस रहे हो, जो राइडर भाई लोग देख रहे हो इस वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताना। शायद आप लोग देख पा रहे हो या नहीं, मेरे घर के कितने पास से गुजरती है ट्रेन। और देखो, ये जो 21 डेज मैं डेली वीडियो डालूंगा ये कुछ सीखने के लिए डालूंगा। सो प्लीज़ अगर कोई भी गलती मेरे तरफ से हो रही है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना ताकि मैं उस गलती को शायद से सुधार सकूं। दूसरा चीज़ कि जब भी आप देखते हो फ्रेम और ये सब, मेरे पीछे जो ये फ्रेम आ रहा है, मैं जितना मैं दिख रहा हूँ, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि यार बहुत बढ़िया, मतलब मैं आप लोगों को वो दिखलाता हूँ रूम में जो कि मैं परफेक्ट रखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि और आप देखो, ये मेरा बेडरूम है और बेडरूम में क्या है, बाल्टी, उधर चेयर्स पड़े हैं, चेयर्स पे तकिया पड़ा है, तकिया पे तकिया के कवर पड़े हैं, मतलब तकिया में नहीं लगा, तकिया के कवर तकिया पे पड़ा है, इधर बस ऐसा ही कुछ है। और ये देखो, इधर अपना हेलमेट और ये टैंक बैग, मतलब सब ऐसा वैसा पड़ा रहता है। लेकिन आपको ये दिखता है, आपको जो दिखता है उसमें कुछ सब कुछ अच्छा लगता होगा, तो मैं सोचा कि सिर्फ दिखलाना अच्छा नहीं है, इन सबों को रखना भी अच्छे से है। तो अभी सबसे पहले अपना रूम को थोड़ा अच्छे करता है। पता है मेरे रूम में दो कुर्सियां क्यों होती हैं? एक कुर्सी बैठने के लिए और दूसरी कुर्सी सामान रखने के लिए, मतलब टिपिकल। देखो इधर कबर्ड है, पूरा बेड बॉक्स वाला है, इधर बॉक्सेस है, इधर टेबल भी बॉक्स वाला है, लेकिन फिर भी सामान कहाँ होगा, कुर्सी पे होगा, क्योंकि ये सिग्नेचर है भाई, सामान कुर्सी पे होना ज़रूरी है। अच्छा, वैसा ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ, मतलब मेरे जैसे और भी कुछ लोग हैं यहाँ कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ अपने आप में यूनिक। सो अब देखो मेरे रूम को, मैं किसी भी तरफ कैमरा मोड़ सकता हूँ ऐसे फ्रीली, क्योंकि अभी कहीं पे कुछ है ही नहीं, और अब अच्छे से दिखलाते हैं।
लॉकडाउन में अगर आपकी शेड्यूल्ड बिजी है ना, तो समझ जाना वो दिन जो है सो प्रोडक्टिव निकला। और कुछ वैसा ही प्रोडक्टिव दिनों में से आज का दिन था मेरे लिए। कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स और मीटिंग्स लिया मैंने, तो आज का अगर सारा काम कंप्लीट हो गया है तो चलते हैं अपने यूट्यूब के दुनिया में और देखते हैं एक दो ज़बरदस्त वाले वीडियो। क्योंकि नोटिफिकेशंस आया था, क्योंकि नोटिफिकेशन ये भी आया है कि कुछ मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स की आज वीडियो आई है, जिनमें से एक ट्रैवलिंग मंडेज है शक्ति भाई, उनकी एक वीडियो आई थी। चलो अभी देखते हैं वो वीडियो। तो अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है और चारों तरफ पैनिक का माहौल है। सो अनटिल वी ऑल आर लॉक्ड इनडोर्स, लेट मी टेक यू ऑन अ वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस टू द अनसीन मेघालय। और अभी तक आप लोग अगर ट्रैवलिंग मंडेज चैनल अभी तक विजिट नहीं किया है, एक बार ही जाके विजिट करना तो बनता है, तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है उस चैनल में। अभी बहुत चीज़ सीखना है मुझे उनसे, और नहीं पता भाई इतना नींद क्यों आ रहा है अभी। टाइम अभी क्या हुआ यार, टाइम 6 बज रहा है शाम का, टाइम 6 बज रहा है शाम का, नींद भयानक आ रहा है। तो कैसा लगा टाइम लैप्स? हाँ ना, एक नंबर अल्टीमेट वाला, मतलब अभी भी टाइम लैप्स बहुत सारा मैं दे रहा हूँ। और तब तक मैगी आ गया है, तो मैगी खा लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद कैसे खा लिया मैगी का, ओहो परम आनंद। आई होप कि आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी मेरे पीछे में, पूरा भयानक अभी थंडर स्टॉर्म्स हो रहा है। चाहिए बाहर बारिश और हाथों में चाय, इससे बढ़िया मौका और क्या होगा लॉकडाउन एंजॉय करने का। देख रहे हो थंडर स्टॉर्म। तो ये वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और इसमें क्या मैं सुधार कर सकता हूँ और क्या आपको अच्छा लगा वो कमेंट ज़रूर करना, और दोस्तों में शेयर करो, मेरे चैनल के बारे में बताओ अपने ग्रुप्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल, तक लिए टेक केयर।